हेलो डी स्टूडेंट्स अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में बात की थी फिर हमने डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्बल साउंड्स के बारे में बात की थी देखिए कॉन्सोनेंट्स की डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर जब हमने किया था तो हमने आपको कॉन्सोनेंट के डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन के लिए स्पेसिफिकली ये बताया था कि हमें तीन क्वेश्चंस का जवाब देना है कि वो कॉन्सोनेंट साउंड वॉइसड है या वॉइसलेस है दूसरा हमने बताया था कि उस कॉन्सोनेंट साउंड के लिए प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है और तीसरा हमने बताना था कि उस कॉन्सोनेंट साउंड के लिए मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है तीन चीजों का जवाब हमें देना था कि जिस कॉन्सुनेट साउंड की बात हम कर रहे हैं वो है या वॉइसलेस है? है और उस कॉन्सुनेट साउंड का मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है मैं सभी स्टूडेंट्स को यह रिक्वेस्ट करता हूं कि सेठन धमीजा का टेंथ चैप्टर आप निकाल लें पेज नंबर एटी नाइन ओके चैप्टर नंबर आप ओपन कर लें और मैं आज सबसे पहले कॉन्सोनेंट साउंड के सिंबल्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कॉन्सोनेंट जो साउंड्स होती हैं हमारी उनके सिंबल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सिंबल्स के बारे में आपको बताता हूं जैसा हमने कहा था कॉन्सोनेट साउंड्स टोटल कितनी है हमारे पास ट्वेंटी फोर टोटल ट्वेंटी फोर कॉन्सोरेंट साउंड्स क्या क्या है देखें पेन का बैट का ब टेक का ट, डे का ड पाबा टर्डा क काइट का क ग गो का ग देखिए प ब ट ड क ग उसके बाद देखिए स सी का स श ये स साउंड है ये श साउंड है स श उसके बाद है चौ चर्च का च स ठीक है ये है यस का यस का यो, ये है यस का य

थैंक्स का थेट का द र, रेट का र, लेट का ल, ठीक है क्या क्या हो गया प ब ट क, स, श ल दो वे साउंड है डब्लू वाला वे एक वी वाला वे डब्लू वाला वे और वी वाला वे ये कितनी होगी साउंड देखो दो दो चार दो छ दो आठ दो दस और 11 बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह 24 फोर कॉन्सोनेंट साउंड में से ये हो गई उसके बाद मैन का म नौ का न अंग किंग का अंग ये म न अंग तीनों नेजल साउंड है म न अंग उसके बाद तीन है। ज साउंड हैं जू का जग का ठीक है जू का ज जु। देखिये ये हम 24 फोर कॉन्सोनेंट साउंड के सिंबल्स कर रहे हैं ये है डिवीजन वाला ये तीन जे साउंड है ये क्या है तीन जे साउंड है तीन नेजल साउंड म न अंग तीन जय वाली साउंड जू वाला जय जग वाला जय और डिवीज़न वाला राइट? Right? देखिए कितना हो गया एक दो तीन चार पांच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस एक साउंड हमारी रहती है ट्वेंटी थ्री साउंड हमारी हो चुकी है देखिए कौन सी रहती है पब, ब ठीक है चै साउंड शायद हमारा रहता है एक हो गया फे फैन का फे ये हो गई ये ट्वेंटी फोर कॉन्सोनेंट साउंड है एक ही बोर्ड पे हमने लिखी प ब ट ड क ग स श च यो, यस का य, का है थैंक्स का थ, दैट का दे, रेट का रे, लेट का ले डब्ल्यू वाला वे, वी वाला वे, मैन का मै नो का न किंग का अंग जू का जे, जू वाला जे, जग वाला जे, डिवीजन वाला जे और फैन का फे। फै। ये हो गई हमारी ट्वेंटी फोर कॉन्सोनेंट साउंड्स। ट्वेंटी फोर कॉन्सोनेंट साउंड के सिंबल्स हो जाते हैं ठीक है अब उसके बाद अतुल अगर आपने बुक को खोला हुआ है तो 91 वन पेज पे आप देखिए नाइंटी वन पेज पे आप देखें तो एक कॉन्सोनेंट्स की एक टेबल इसने बना रखी है अगर आप 91 वन पेज पे देखें तो कॉन्सोनेंट की एक टेबल इसने बनाई हुई है ये टेबल क्या है देखिए कॉन्सोनेंट्स की टेबल इसने बना रखी है अगर आप हो देखें हो तो इसने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन लिखे हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है वो बाइलेबियलटल डेंटलर पैलेटल पेलेटलर पेलेटल वेलर और ग्लोटल और वर्टिकली इसने मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन लिखे हैं क्या क्या लिखे हैं वो प्लोसिव एफ्रिकेट नेमी बाबल Place of लिखे है, आपको कॉन्सोनेंट के बारे में तीन बातें बता रही है कि वो कॉन्सोनेंट साउंड वॉइस्ड। है या वॉइसलेस है उस कॉन्सोनेंट साउंड का प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है और उस कॉन्सोनेंट साउंड का मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है सपोज आप अगर बुक को खोले हुए हैं तो पै साउंड वाला सिंबल देखिए पै, पेन का पै। अगर आप देखते हैं बुक में पेन का पै, तो ये वीएल के नीचे आया है वीएल वीएल मतलब ये वॉइसलेस है और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के कौन से खाने में आया है ये बाइलेबियल और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के कौन से खाने में आया है प्लोसिव किस में आया है प्लॉसिव तो पे साउंड का जो पे साउंड की अगर हम बात करें तो पे साउंड का हमारा जो थ्री टर्म डिस्क्रिप्शन हो जाएगा अतुल वो क्या हो जाएगा कि पे साउंड क्या है वॉइसलेस है बाइलेबियल है और एक प्लोसिव कॉन्सोनेंट है ओके तो पै साउंड जो है वो हमारी क्या है वॉइसलेस है ठीक है और इसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है वो क्या है बाइलेबियल है और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जो है वो क्या है प्लोसिव है तो so, हम पै साउंड को क्या कहेंगे वॉइसलेस बाइलेबियल प्लॉसिव कॉन्सोनेंट क्या कहेंगे वॉइसलेस बाइलेबियल प्लोसिव कॉन्सोनेंट ऐसे ही बै साउंड को देखो बैट का बै बैट का बै टेबल में देखें बी बैट का बै ये वीडी के नीचे है मतलब ये वॉइस्ड है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के कौन से खाने में है बाइलेबियल और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के कौन से खाने में है प्लोसिव तो इसका थ्री टर्म लेबल क्या हो गया वॉइस्ड बाइलेबियल प्लोसिव कॉन्सोनेंट वॉइस्ड बाइलेबियल और प्लोसिव कॉन्सोनेंट ठीक है तो देखिए उसके बाद आप टे साउंड देखो टेक का टे टेक का टे टे साउंड का थ्री टर्म लेवल देखें टे वीएल के नीचे है तो वॉइसलेस है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के कौन से खाने में है अलवीलर और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के कौन से खाने में है प्लोसिव तो टे साउंड का थ्री टर्म लेबल क्या हो गया वॉइसलेस अलवीलर प्लोसिव कॉन्सोनेंट। ओके ऐसे ही डे डे का डे डे का डे डे साउंड के बारे में देखें वीडी के नीचे है तो ये क्या हो गया वॉइसड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के कौन से खाने में अलवीलर और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के कौन से खाने में है प्लोसिव तो डे डे का डे डे का, का थ्री टर्म लेबल क्या हो गया इस्ड अलविलर प्लॉसिव कॉन्सोनेंट अतुल अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज यस लिखकर मुझे बताइए तो ये जो टेबल है जो 91 पेज पे है ये आपको किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में तीन बातें बताती है कि वो वॉइस्ड है या वॉइसलेस है दूसरा उसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है और तीसरा उसका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है ये तीनों बातें ये टेबल आपको बताती है क्लियर है तो देखिए ध्यान से देखिए ये टेबल आपको तीन बातें बताएगी अगर हम पे साउंड की बात कर रहे हैं तो पे साउंड हमारा क्या हो गया वॉइसलेस पे साउंड क्या हो गया वॉइसलेस बाइलेबियल और प्लोसिव कॉन्सोनेंट ऐसे टेबल को याद करके अपने सामने रखकर हम इन कॉन्सोनेंट साउंड की थ्री टर्म लेबल के बारे में बताएंगे ऐसे ही टे साउंड टेक का टे टेबल को देखो ये वॉइसलेस के नीचे है वीएल के नीचे है तो ये वॉइसलेस हो गया इसका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कौन से खाने में है ये अलविलर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन अलविलर और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन इसका क्या हो गया प्लोसिव और ये क्या है Alveolar, plosive, ही, फे को देखो फे को टेबल में देखो फेल के नीचे है. तो ये क्या होगी? क्या होगी ये? और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के कौन से खाने में है लेबियोडेंटल किसमें है लेबियोडेंटल और फे साउंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के कौन से खाने में है फ्रिकेटिव और ये क्या है कॉन्सोनेंट है तो इसका थ्री टर्म टेबल क्या हो गया वॉइसलेस फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट अब डब्लू वाला वे देखो आप डब्लू वाला वह कहां है वीएल के नीचे है या वीडी के नीचे वीडी के नीचे है तो ये क्या हो गया हमारा वॉइसड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के कौन से खाने में है बाइलेबियल बाई क्या हो रहा है आज ये डब्ल्यू वाला वे वॉइस है बाइलेबियल है और सेमी वावल है तो इस टेबल को याद करके आप कॉन्सोनेंट साउंड की तीनों बातें बता सकते हैं कि वो कॉन्सोनेंट साउंड वॉइस्ड है या वॉइसलेस है उसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है और उसका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है क्लियर है सबको तो ये कॉन्सोनेंट की टेबल आपने लर्न करनी है तो या तो ये टेबल लर्न कर लें आप या 90 पेज पे अगर आप देखें 90 पेज पे इसने पहले मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन दिए प्लोसिव एफ्रिकेट लेटरल फ्रिकेटिव फ्रिक्शनलेस लेस कॉन्टिनेंट और सेमी वावल या आप ये याद कर सकते हैं 90 पेज पे इसने मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन दिए हैं पहले प्लोसिव सिक्स है प्लोसिव हमारे पे बेटे दो एफ्रिकेट हैं चे और नेज़ल तीन है मै नंग लिटरल एक है लेकेटिव नो है, फे वे, थे दे, से जे, शे जे है। एक फ्रिक्शनलेस कॉन्टिनेंट है रो सेमी वावल है वे और ये ये पहले मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन दिए हैं फिर प्लेस ऑफ़ आर्टिकुलेशन दिए हैं बाइलेबियल चार हैं पे बे मै व दो लेबियोडेंटल है फे और व दो डेंटल हैं थे और अलवीलर साउंड है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टे पोस्ट अलविलर है रेटो अलविलर है, है एक पैलेटल है, 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 है।, है ये तीन वेलर साउंड है कै अंग, और एक ग्लोटल है, है तो 90 पेज पे पहले क्या दिया है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन फिर क्या दिया है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और उसके बाद फिर इसने उसके बाद फिर इसने हमें क्या दिया है क्या दिया है उसके बाद ध्यान से देखें वॉइस एंड वॉइसलेस देखे हमारे पास टोटल ट्वेंटी फोर कॉन्सोनेंट साउंड है इन ट्वेंटी फोर कॉन्सोनेंट साउंड में से नाइन कॉन्सोनेंट साउंड अतुल वॉइसलेस है कौन कौन सी प ट क श फ थ स श ह याद कैसे करोगे पटक चफत स श ह मैंने तो ऐसे ही याद किया पतक, चफत, है पटक चफत सैश है पैटक है चैफेत है सैश है पटक चफत सश है ये नौ कॉन्सोनेंट साउंड तो वॉइसलेस है इसको छोड़कर जो पंद्रह कॉन्सोनेंट साउंड बच गई अतुल वो सब जो हैं वो क्या है वाइज्ड हैं वो सब क्या है वाइज्ड है नौ कॉन्सोनेंट साउंड वॉइसलेस है इसको छोड़कर जो पंद्रह कॉन्सोनेंट साउंड बच गई है। वो सभी जो हैं वो क्या है वाइज्ड हैं तो पहले आप कॉन्सोनेंट साउंड के सिंबल्स 24 है और फिर उनकी जो थ्री टर्म लेबल है उसके लिए आप 91 पेज वाली जो टेबल है वो लर्न कर लें या जो 90 पेज पे अलग से उसने मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन वॉयस्ड एंड वॉइसलेस का अलग-अलग जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो याद कर लें लेकिन आपको कंसोनेंट साउंड के सिंबल्स और उनकी थ्री टर्म लेबल जरूर याद होनी चाहिए वो थ्री टर्म लेबल याद करने के लिए या तो आप 91 पेज वाला जो टेबल है वो लर्न कर लें या 90 पेज पे जो अलग अलग विवरण दिया है वो याद कर ले क्लियर है इससे पहले मैंने ये सारा आपको बता दिया था और वाले में, ये बहुत अच्छे से मैं आपको बता चुका हूं तो आज के लेक्चर में हमने कॉन्सोनेंट साउंड के सिंबल्स और उनकी थ्री टर्म लेबल के बारे में बात की अब कल अतुल हम जो है वावल के सिंबल्स और वॉवल की जो थ्री टर्म लेवल है उसकी बात करेंगे आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी अगर बात समझ नहीं आई है कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली ऑल द डाउट्स आर वेलकम्ड थैंक यू थैंक